मैं कहना छाती बजा के कि नरेंद्र मोदी ने जो टाकरा लेना मनजीत सिंह बन के मोहरे कर दो। साड़ी कौम नू बख्शिश है कि सवेरे दिल्ली ढाने हैं, सवेरे इंटरनेट खड़काने हैं, असी उन्होंने मारांगे और साढ़े मारनगे। फिर प्राप्ति की है, खटना की है, तो फिर पंजाब नू खाली हथ जाना है, कंधा ढा के दिल्ली दियां कंधा ढा के उस बिल वापस हो जाने ने। ऐदा मूवमेंटा फेल हो जांदियां ने टकराव जाके, जदों कहने टक्कर लेनी है सानू भी पाउंदी है टक्कर लेनी। असीं भी पंजाब दा ही लस्सी पीने आ, पंजाब दे ही उस दुध दी मक्खण खाने आ। साडे च गर्मी घट नहीं, इत्थे आ के कह देना कि आगूआं दे गिट्टियां च जान नहीं। जो जिन्नी मर्जी बारिश होवे, जिन्नी मर्जी सर्दी होवे, अपने किते तो पिछे नहीं हटदा। ते अज अपने सिद्धांतों की लड़ाई है, अपने किते दे राखी की लड़ाई है, ते फिर पंडाल च जरूर आया करो। बारिश पैंदी है ठीक है, जे घर होइए तां डंगर पौले ले पट्ठे लैण नहीं जाईदा। जे बारिश होवे ते किते वध पानी आ जावे उहनूं बन्नण जां कट्टण नहीं जाईदा। ते फिर इत्थे आ के बैठो, ट्रालियां चों निकल के आओ बाहर। अज इंज लगता है कि ज्यादा बारिश इन्हां नूं एक खुर चले ने खरिया, ट्रालियां चों नहीं निकलते। ओ भाई, जे सरकार नाल लड़ाई लड़न आए हैं वो तुहाडे इस मंच नूं देखदी है, वो तुहाडे पंडाल नूं देखदी है। ते फिर जदों टीवी ते डिबेटां च बैठीदा है वो कहिंदे जी कित्थे है अंदोलन तुहाडा, संख्या तो है नहीं। तो संख्या साड़ी ट्रालियां च बैठे ताछा खेडी जांदे ने। ओ भाई, कुछ समा इत्थे पंडाल च ला लिया करो। आ जिहड़े बैठे ने भी योधे बैठे ने, घरां तों ट्रालियां च बैठण नहीं आए, ताछा खेडण नहीं आए, इत्थे पंडाल च आया करो। ये बेनती नूं कबूल करो। मैं दसना चाहांगा कि जिहड़ी पिछले दिनी घटना हुई है, हरियाणा सरकार ने जो करनाल च कीता है, जिवें मेरा वीर हरियाणे वाला बोल के गया है, बड़ी मंदभागी घटना है। शांति पूर्वक बिल्कुल शांति नाल बैठे हुए किसानां दे उपर लाठी चार्ज करना एक बार फिर जलियां वाले बाग की याद करवाई है। इस तरह जलियां वाले बाग दे विच जनरल डायर ने हमला किया सी और निहत्थे बेदोशे लोगों के कतल किए सन। अज आपां पहला स्टेजां तो बोलते सी कि एक चिट्टे रंग दे गोरे सी जिन्हां ने इस देश नूं गुलामी च रख्या। अज ये काले गोरियां दा राज है। जे तो तुसी आजादी लैण आए हो, उन्होंने साबित कर दिता कि जिवें जनरल डायर ने लाठियां चलाईयां सी शांति नाल बैठिया, ते अज दे जनरल डायर खट्टर इन्हां दा SDM अज बैठिया किसानां ते लाठियां चलाउंदे ने। फिर झूठ बोलते ने कि किसानां ने फड़ासे लैके पुलिस ते अटैक किया। और शर्म करो BJP वालियो, शर्म करो। वो जिहड़ा उत्थे लंगर चलदा किसानां दा, जिहड़ी उत्थे कोल चौंकी है, जिहड़ा नाका है उस टोल ते, वो पुलिस वाले रोज उत्थों प्रशादा छकदे ने। किसान तां प्रशादा छकाउंदे ने पुलिस वालियां नूं। और इह ओह कौम है भाई, कन्हैये वाली कौम है, जिहड़ी दुश्मन नूं भी पाणी पिआउंदी है, दुश्मन नूं भी प्रशादा छकाउंदी है। ते तुसी आके लाठियां बरसाउंदे हो, फिर झूठ बोलदे हो कि किसानां ने फड़ासे लैके पुलिस ते अटैक किया। झूठ की कोई हद हुंदी है? ये BJP सरकार जां BJP पार्टी का चेहरा सामने आया। मैं देश दे लोकां नूं बेनती करदा हां, अवेयर हो जाओ। अगर हुण ना संभले
इंजे ये अपना तंत्र लागू करनगे। मैं पहला भी एक दिन कहा सी कि पंजाब दे विच जिहड़ियां सत्ताधारी पार्टियां आईयां हुण तिकर जां जिहड़ी सत्ता पार्टी लैणा चाहुंदी है वो सानू फ्री वालियां गल्लां दस के भरमाउंदे ने, चाहे वह अकालिया ने पहला फ्री वाली कवैत शुरू की, चाहे वह कांग्रेस ने नाल कर दिता है, चाहे हुण आम आदमी कहती है, आम आदमी पार्टी कहती 300 जून फ्री देवांगे, वो कित्थों देना भाई? ये तो दसो 3 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब सिर चढ़िया होया है, जिहदा 21,000 करोड़ रुपया सालाना ब्याज जांदा है, अज पंजाब नूं आर्थिक गुलाम कर रहे ने। एक वह गोरे आए सी जिहड़े बंदरगाहां ते आए व्यापार के नाँ ते, उन्होंने गुलाम किया, फिर उन्होंने अपना चंदा अपना ठेका तुहाडे ते लागू करता, वो तुहाडे कोलों वसूलदे सन, फसल की फसल ते वसूलदे सन, ते हुण एक जिहड़े काले गोरे अज दे ने ये राज करना चाहुंदे ने तुहाडे उपर, और तुहाडे ते कर्जा चढ़ा के उही चंदा ब्याज दे विच लैणगे तुहाडे कोलों। ये पॉलिसी चल रही है, एडा केजरीवाल है, ये भी मोदी के इशारे से कर रहे हैं, ये भी RSS के इशारे से कर रहे हैं, सब कुछ जो तुहाडा वादे कर रहे हैं। आ जिहड़ा अकाली सी ये भी RSS के दबाव हेठ कर रहे सी, जो कांग्रेस कर रही है ये भी अज मोदी के दबाव हेठ कर रही है। वो मेरे वीरो इस गल नूं परखो पहला कि किसी ने कहा कि 3 लाख का कर्जा पंजाब सिर वो असी लावांगे, एक पार्टी ने नहीं कहा कि जिहड़ा 3 लाख का कर्जा असी लावांगे, एक पार्टी ने नहीं कहा कि रोजगार देवांगे, एक पार्टी ने नहीं कहा कि किसानां दी जिनस का मुल पूरा देवांगे। केरला दे विच तुहाडियां जिहड़ियां सब्जियां उन्होंने भी MSP तय हो गई है, और ये कहिंदे ने कि असीं किसान नूं उहदी जिनस का मुल देवांगे, नहीं कहिंदे। मैं वलंटियर वीरां नूं बेनती करांगा, और पिछे कुछ गऊआं ने वह मैट खराब करनगियां, थोड़ा जिहा उन्हां नूं परे करो, वलंटियर वीरां नूं बेनती ध्यान रख्या करो, ठीक है एक साइड ते बैठियां रहन, पर एक इह गल दा ध्यान रखो जिते संगत ने बहना उत्थे उह गोहा भी करनगे ते फिर बहना औखा होएगा। सो मैं बेनती कर रहा सी कि किसी ने जिक्र नहीं किया अज तक कि पंजाब का कर्जा असी लावांगे, किसी ने जिक्र नहीं किया रोजगार देवांगे, किसी ने जिक्र नहीं किया कि पंजाब नूं आर्थिक पक्षों तकड़ा करांगे। कोई तुहाडा हितैषी नहीं, कोई तुहानूं फ्री दे के हितैषी नहीं, तुहाडा कोई फ्री नहीं मिल रहा, कर्जा रूपी तुहाडे आने वालियां पीढ़ियां ते चढ़ रहा है, जो अज फ्री वेखते हैं। मैं एक बारी पहला वाइट च कहा सी कि भाई केजरीवाल ने कहा 300 फ्री देवांगा, अकाली दल ने कहता 400 देवांगा, कितों देना है? तो फेसबुक ते कमेंट आया कि तुसीं मोटरां दे बिल फ्री लैने हो। मेरे वीरो मैं बहुत बार कह चुका कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक साड़ी फसल का मुल दिता जाए, सानू कुछ नहीं फ्री चाहिए, कोई मोटर के बिल फ्री नहीं मंगांगे। साड़ी कणक जिहड़ी अज 1975 की है, जदों 4,500-4,500 रुपया वह रेट होएगा, कोई फ्री नहीं मंगांगे। जिहड़ा झोना साडा साडा अज 1850 नूं है, वह जदों 3700 मिलेगा कदे नहीं फ्री मंगांगे। मेरे वीरो एक कर्जा चढ़ रहा पंजाब सर, दिन रात कर्जा चढ़ रहा, कर्जे की पंड बड़ी हो रही, तुहानू आर्थिक पक्षों गुलाम किया जा रहा है, आर्थिक पक्षों गुलामी वल पंजाब नू तकिया जा रहा है। ये गल्लां विचारन दियां ने, ये गल्लां नू ध्यान च रखण दियां गल्लां ने, ये कोई हितैषी नहीं तुहाडा, इन्हां नू अपनियां कुर्सियां चाहीदियां ने, फ्री वालियां गल्लां करके तुहाडे कोलों कुर्सियां लैणियां चाहुंदे ने, सत्ता हासिल करनी चाहुंदे ने, कोई हित नहीं इन्हां नू पंजाब दा। मेरे वीरो यही हालात केंद्र सरकार दे ने, जिहड़ा नरेंद्र मोदी जिवें मेरा वीर हरियाणा आ इत्थों कह के गया कि वह कहिंदा है कि मैं फकीर आदमी है, मैं अपनी झोली चक के चलिया जावांगा। मेरे वीरो
जेड़े असल फकीर होंदे ने ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਮ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਖੋਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਠੱਗ ਹੈ जो फकीरी के नाते कहता है तो ठग करिया करते ने लुट के भज जाया करते ने अपनी असलियत दस रहा है कि इस देश नू लुटांगा रज के कुटांगा रज के फिर मैं झोली चक के भजांगा जिमें ये पहला नीरव मोदी और मालिया वर्गे भज गए इवें भजेगा अपना जुली बेस्तरा चक के यह जिहा फकीर है ठग जिहड़ा फकीरी नू बदनाम कर रहा है मेरे वीरो ये गल ध्यान च रख्या करो बहुत सारिया गल्लां होया करदियां ने बहुत सारे साथी कहिंदे ने कई बारी माइक तो आके कहिंदे ने कि की प्राप्तियां ने मेरे वीरो अज सब तो बड़ी प्राप्ति ये है खासकर पंजाब वालियां लई सब तो बड़ी प्राप्ति ये है कि तुहाडी कौम का सिर उच्चा होया पूरे वर्ल्ड दे विच पूरे वर्ल्ड च सिर उच्चा होया है तुहाडी कौम का इस अंदोलन ने किया है इस अंदोलन ने दसिया है कि यह वो लोग ने मैं बहुत बारी कहा यह वो लोग ने जेडे नंगे पिंडे ते कपड़ा पाउंदे ने यह वो लोग ने जेडे भुखे का ढिड भरदे ने यह वो लोग ने जेडे मरदे नूं साह दिंदे ने यह वो लोग ने जेडे जबर मोहरे खड़दे ने यह वो लोग ने जेडी सांझी वार्ता का संदेश दिंदे ने ओ लोग ने सिर उच्चा किया तुसी अपनी कौम का पूरे वर्ल्ड दे विच सिर उच्चा किया है अज लोग जिवें कल राज्यपाल साहब ने बोलिया सी कि बाहरले मुल्कां दे लोग अज तुहाडे समर्थन च खड़ गए ने किसान जिहड़े उत्थे दे जद्दी लोग ने ओ तुहाडे समर्थन च खड़ गए ने किसान ओ कहिंदे ने कि ये जिहड़े कानून ने इन्हां कानूनों ने अमेरिका वर्गे देशों कनेडा वर्गे देशों खेती डोब के रख दिती कोई मुनाफे वाला सौदा नहीं रहा अज वो किसान मजबूर ने फैक्ट्रियां च कम करने नू मेरे वीरो उत्थे दियां सरकारां हैल्प भी करदियां ने किसानां दी पर फिर भी मजबूर ने मेरे वीरो ये उही कानून तुहाडे ते लागू करना चाहता है नरेंद्र मोदी पूंजीपति घराणियां नूं काबज करना चाहता है आर्थिक पक्षों पूरे देश नूं गुलाम करना चाहता है मैं पहला पंजाब की गल की सी और मैं तुहानूं इह दसना चाहुंदा है कि पूरे देश नूं आर्थिक पक्षों गुलाम करना चाहता है ये साजिशां कड़ियां जा रही ने कुछ घराणियां नाल रल के देश नूं किवें गुलाम बनाउणा है ये बोल ना सकन अपनी आवाज बुलंद ना कर सकन अपने हक ना मंग सकन जिवें तुसीं वेख्या कि हक मंगदे आ ते फिर लाठियां चलाउणगे हजे तां सत्ता तुहाडे हथ च है जाग जाओ ओ अंधे भगतो जाग जाओ जिस दिन तुहाडे हथ च भी सत्ता नहीं रहनी जदों ये सारा कुछ गुआ लिया तुसीं वेख्या होगा कि मुंबई दे विच एयरपोर्ट उत्ते अडानी एयरपोर्ट लिखिया होया सी ते साडे शिवसेना वाले वीरां ने बेशक साडी कौम दा मतभेद रहा उहनां दे नाल क्योंकि वह अपनी कौम दे लई लड़दे ने असीं अपनी कौम लई लड़दे ने लड़दे आ कई वारी मतभेद हो जाया करदे ने पर जदों कोई चंगी गल होवे उहनूं चंगी कहना बणदा है शिवसेना वाले वीरां ने उह जाके अडानी एयरपोर्ट ते लिखिया असीं अडानी एयरपोर्ट उहनूं ढाहिया उहनां ने कहा बिल्कुल नहीं असीं इत्थे लिखण देंगे शिवसेना ने उस दिन भी इन्हों का उदय ठाकरे जड़े प्रधान ने 26 जनवरी में उन्होंने कहा कि कितने तिरंगे का अपमान नहीं होया फिर चंगी गल जी चंगी किया जाता है उन्होंने चंगी भाषा उस दिन वरती क्योंकि किसान के दर्द लिए खड़े हुए मेरे वीरो इस तरह जाग जो जड़े अंधे भगत है उन्होंने बेनती करते जाग जो लुट जूगा देश सारा गुलाम कर देंगे
तीन चार कंपनियां दे गुलाम बना देंगे पूरे देश नूं, आर्थिक पक्षों गुलाम बना देंगे। ये ना समझो कि कल्ला बोली जांदा है। मैं सरदार संतोख सिंह नूं कहा सी अज बारिश करके कई बार साड़ी संगत भी घट आई है, बुलारे भी घट आए ने। इस करके मैं क्या जदों ना कोई बुलारा होया फिर मैनू ला दिओ, फिर चलता रहू काम, कोई गल नहीं बोल लांगे। सो इस करके मैं बोली जाना, हुण तुसीं अक ना जायो, जिसले मैनू इशारा कर देणगे बुलारा आ गया उले हट जू। सो इस करके मैं बेनती करदा कि मेरे वीरों तकड़े हो के प्राप्तियां कर रहे हैं, ये प्राप्ति है तुहाडी कौम दा सिर उच्चा होया। फिर होर प्राप्ति है कि अज सांझी वार्ता दा संदेश तुसी दिता है। अज हरियाणे वाले भरा साडे नाल कंधा ला के बैठे ने, अज हिंदू भाईचारा साडे नाल बैठा है, मुस्लिम भाईचारा साडे नाल बैठा है, ईसाई भाईचारा साडे नाल बैठा है। एक ये प्राप्ति है तुहाडी। होर प्राप्ति है, कई बारी कई सज्जन कहिंदे कि दिओ तत्ती काल दिओ सानू हुक्म असी जाके फतेह कर दिंदे हैं। मेरे वीरो एडे कमले नहीं बत्ती, एडे कमले नहीं जिड्डे कि तुसी बनाए हुए ने। बत्तियां नू पता है, मैं बहुत बार स्टेज तो क्या यह सुन लैन ध्यान नाल सारे सज्जन, जिथे ते मीडिया तक गल जांदी है, साडी कौम नू बख्शिश है कि सवेरे दिल्ली ढाने हैं, सवेरे इंटरनेट खड़काने हैं, असी उन्हां दे मारांगे उह साडे मारनगे। फिर प्राप्ति की है, खटना की है? एदा मूवमेंटा फेल हो जांदियां ने टकराओ जाके, जदों कहिंदे आ टक्कर लैनी है सानू भी पाउंदी है टक्कर लैनी। असी भी पंजाब दा ही लस्सी पीने आ, पंजाब दा ही उस दुध दी मक्खण खाने आ, उन्हां मझां दा ही। साडे च गर्मी घट नहीं, इत्थे आ के कह देना कि आगूआं दे गिट्टियां च जान नहीं। मैं कहिंदा छाती बजा के कि नरेंद्र मोदी ने जो टाकरा लेना हो मनजीत सिंह नूं बन के मोहरे कर दिओ, एक कदम ही पिछे पड़ जाएंगे। फिर बत्तियां नूं कह देना इत्थे स्टेज ते आके गल्लां कर देनियां बड़ियां तत्तियां तत्तियां, ते लोकां नूं चंगियां लगन भई ये तत्ते ने। मैं बेनती करा, इत्थे जिक्र किया गया साडे वीरां दा कि टकैत साहब ने कहा सी ट्रैक्टर लैके जाण नूं, पर उन्होंने ये भी गल कही सी कि संयुक्त मोर्चा जदों कहूगा, उन्हां नूं पता है कि जदों ट्रैक्टर जाणगे विरोध पैदा होगा, तो संयुक्त मोर्चा विचार के कॉल करूगा। अपनी भावना होंदी है, जे चरूनी साहब ने कहा कि आपां जाणा अंदर संसद घेरनी है, भावना है उन्हां दी, साडी भी हो सकती है, पर यह भी गल उन्होंने आखी है कि संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल है जो वह गल करनगे। फिर मेरे वीरो संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल शब्द जिहड़ा है इतों गल नूं समझ लिया करो कि संयुक्त किसान मोर्चे दे आगू सियाने ने लत्तां दे पहार दिंदे ने। ऐ ना क्या करो कि पंजाब वाले इत्थे कमेंट आउंदा है कि पंजाब वाले नहीं पहार दिंदे लत्तां ते, पंजाब वाले समझदे ने इस गल नूं कि पंजाब ने किन्ना संताप भोगिया। पहली साडी मूवमेंट दे विच सानूं सट वजी, साडे किन्ने नौजवान शहीद होए, असीं इहचों प्राप्ति करनी है, प्राप्ति करनी है। शहीद कराउण नूं सवेरे हो जांदे हैं, फिर प्राप्ति कित्थों लभू? प्राप्ति करनी है। घट तो घट 2000 करोड़ दा पंजाब दा नुकसान होया, पंजाब दी डिवेलपमेंट इत्थे खर्च हो गई, हर पिंड दा 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया इत्थे खर्च हो गया। तो फिर पंजाब नूं खाली हथ जाना, कंधा ढाह के दिल्ली दियां कंधा ढाह के उच्चों बिल वापस हो जाने ने, बिल वापस करवाने ने, दबाव ना करवाने ने। इस करके कहने कि जिगरा रखो, सहजता रखो। जे आप सहजता नहीं रख सकते, लंबिया लड़ाइया लड़िया साढ़े गुरु साहबाना ने, लंबिया लड़ाइया लड़िया बंदा सिंह बहादुर ने, लंबी लड़ाई लड़ी 1947 च, फिर हुण की गल है? हुण लंबी लड़ाई लड़दियां नूं हुण काले क्यों पैंदे हो कि दबे दिओ कॉल ढा दिओ दिल्ली? लभना की है? उच्चों कुछ लभ के ले जाना है, प्राप्ति करनी है, कानून वापस कराने ने। इस करके ये गल कह देनी कि बत्तियां दे पैरां ते भार नहीं, बत्ती बैठे ने इत्थे, कोई नहीं मुड़ के गया करा नूं। ठीक है, एक जलंधर
जाके मोर्चा लाया सी उदन गए हैं और वो मोर्चा जित के आए हैं, इस मोर्चे भी जित के जावे। बत्ती भार देंदे ने लत्तां दे, बिल्कुल देंदे ने, मैं बत्तियां च बहना है, कोई नहीं माड़ा। इत्थे गल्लां कर देनियां, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, पर इस अंदोलन लई सारे खड़े ने, हिक तान के खड़े ने, कोई एक नहीं कहिंदा बत्तियां चों पिछे मुड़ने नूं। फिर ऐ किंतु परंतु बत्तियां ते ना करिया करो। मेरे वीरो, जे बत्तियां दा मनोबल बधा नहीं सकदे तां उहनां दीआं लत्तां ना खिच्चिया करो। लत्तां खिच्चदे हो इह जिले माइक तो आके उन्होंने निंदते हैं, फिर तुम उन्होंने लत्तां खिचते हैं भी अगे ना बढ़ सकने। जे मन च दृढ़ता है कि अगे नूं बढ़न, फिर थापड़ा दिओ कि तुम जो कर लो, तुम कहो 24 तक बहना, असी 24 तक बैठने तैयार हाँ। ये बत्तियां नूं क्या करो, जे हौसला बढ़ाना तां ऐ लत्तां ना खिचिया करो। मेरे वीरो, बहुत कुछ हुंदा विचारने दा, जे मन चाहे कोई गल ते ओ अंदर बह के कमरे च करी दी। मैं स्टेज ते क्या बहुत बार, जदों अपना चग्गा चक दईए, जदों शरीक नूं पता लग जाए कि ये अपने बापू दा अखा नहीं मनदे, ये अपने बड़े भाई दा अखा नहीं मनदे, तां शरीक तुहाडे गल चढ़ जांदा है। साडा शरीक नरेंद्र मोदी है। जदों इत्थों स्टेजां तों तुसीं निंददे हो, ये कमजोर ने, ये पिल्ले ने, ये गल्लां नरेंद्र मोदी तक जानियां है, फिर आपां किहदी मत कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी की? अपनियां नूं भंड के नरेंद्र मोदी की हैल्प कर रहे हैं? इस करके मेरे वीरो, इस गल नूं ध्यान च रख्या करो। जदों कोई स्टेज तो शब्द बोलना, ठीक है तुहाडी भावना है, हर एक बंदे की अपनी अपनी भावना है। अंदर बैठो, असी बत्ती बहने हैं, उत्थे कोई तत्ता कोई ठंडा, एक दूजे नाल लड़दे हैं, पर जदों बाहर आने हैं एक मत होके आने हैं, एक गल करते हैं, जप्पियां पा के आने हैं, ता कि नरेंद्र मोदी नूं पता चले इस लड़ाई च इकट्ठे ने। उदा बखरे हो सकते ने, पर अज कानूनां दी लड़ाई च इकट्ठे ने, इकट्ठे होके मेरे गल पैणगे। फिर एकता का सबूत दिया करो। जे असीं इत्थे आए हैं कौम च, बहादुर कौम हो तुसीं, जे मन है बहादुरी नाल लड़ने का, तो फिर साथ दिओ, लत्तां ना खिचो। मैं बार बार कहूँगा कि लत्तां ना खिचो। ऐ इत्थे माइक ते आके सियाणे बनना, बहादुर बनना, सानू भी आउंदा है बहुत। मैं बोल दिंदा कि चलो सवेरे दिल्ली ढाने हुण नौजवानां ने आ जाणा, पर मैनू पता है उह चो प्राप्ति कुछ नहीं होनी। तत्ता असीं भी बोलना जाणदे हां, बड़ी गर्मी है, सांभ के रखी हुई है, काबू च रख्या होया अपने आप नूं, कि जे चो जित प्राप्त करनी है, इह चो कुछ लभ के लैके जाणा। इस करके मैं बेनती करांगा, मेरे वीरो, सुप्रीम संयुक्त मोर्चे नूं मन के चलिया करो। जिवें बड़े आगू भी कह दिंदे ने, टकैत जी, चड़ूनी जी, जिन्हें बड़े आगू ने, वह कहिंदे लास्ट फैसला संयुक्त मोर्चे का होएगा। वह संयुक्त मोर्चे नूं वड्डा मनदे ने, इदां ही मन्निया करो। अपनी रह जिहड़ी देनी आ वह बंद कमरे च दे दिया करो। यह गल नहीं कि मैं पब्लिक जी दसा कि मैं बहुत लड़ाका, मैं बहुत तकड़ा। मेरे वीरो, इत्थे जदों बार्डर भांदे आए हैं, मैं कहना नहीं चाहुंदा, मैं देखे ने किहड़े लड़ाके ने ते किहड़े तकड़े ने, क्योंकि बॉर्डर भांदे मोहरे आया नौजवानों के नाल, इत्थे बिना स्पीकर तो 2 घंटे स्टेज चलाई है, ट्राली वाली स्टेज भी मगरों आई 2 घंटे 12 बजे, असी 10 बजे इत्थे पहुँच गए सी। देखे ने किहदे गिट्टियां च किन्नी की जान है पता है, तो फिर ऐ कह देना कि बत्तियां दे गिट्टियां च जान नहीं, ये बत्तियां का पाठ सी मनजीत सिंह राय, सारे बार्डर तोड़े ने, वीडियो कढ़ा के देख लियो, जे झूठ बोलना तो तौं लो उहनूं तैयार है अपनी। इस करके कदे भी किंतु परंतु ना करिया करो। स्टेजां तो बोलदे हो फिर वह फेसबुक ते चल पैंदा है, फिर उत्थे बड़े योधे बनदे ने, जिहड़े घरीं बैठे ने फेसबुक की सूरमे, जिन्हें इत्थे आउणा नहीं, बहना नहीं, जे आए तो 2 दिन बाद घरां नूं भज जाणा, ते वह फेसबुक ते बैठे ने, उत्थे सूरमे बनदे ने। हाँ, बत्ती कमजोर, अच्छा फिर कहिंदे ने बत्ती कामरेड, की है कामरेड की परिभाषा भाई, की है? मैं बेशक
अपने आप नूं नॉन कामरेड मानदा। मैं शुरू तो कहिंदा हुंदा सी कि लाल झंडे वाले शायद सब तो बखरे ने, कोई गुस्सा भी ना करे मेरा भीर, पर मैं इत्थे वेख्या वह कहिंदे ने सानूं मीटिंग दे विच पे असी भी सिख कौम च जन्म लिया भाई, असी भी उन्ने ही राखे हैं कौम दे, सानूं वखरा क्यों करदे हो, कोई वखरा नहीं। मैं तो बहुत बार ये कहांगा असी उन्होंने को बहुत कुछ सीखे, किताबां पढ़ते ने, इतिहास पढ़ते ने, जानते ने, फिर भाई क्यों आप गल करी जाइए बखरेवे पाइए, सरकार नूं दसीए कि आ कामरेड ने आ नॉन कामरेड ने बंडियां क्यों पाइए, कोई बंडी ना पाया करो, बत्ती दे बत्ती तुहाडे आखे ते अगे लगे हुए ने और कोई पैर पिछे नहीं पटूगा, जां एड़ी जंग है जित के मुड़ांगे, जित के मुड़ांगे, इस गल का ध्यान रखियो, जित के मुड़ांगे जंग। इस करके मेरे वीरो किंतु परंतु ना करिया करो, एक मैं बेनती करांगा, साढ़े प्रेस वाले वीर ने भी मैं बेनती की सी, एक इधर काउंटर बनया ये प्रेस वाले भी रेंदे है, ये बड़ा दखल ना दिया करो कोई साथी, ये क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम लाया होया, ये भी दखलदाजी घट करिया करो, बस करा जी हूँ जिमें हुक्म होगा, जदों फिर कोई ना बुला रहा फिर ला दौ, आप भावें 3 घंटे बुला लो चली जाना काम, इदा ही गला बह जाता कई बार, पर ऊ नहीं हट दे। सो इस करके किसी गलों घबराने की लोड़ नहीं, बत्तियां ते यकीन करो, तकड़े होकर संघर्ष में लड़ांगे। ये गल वक्री है कि ठीक जी गल सिरसा साहब कह के गए, मैं उन्होंने ये पूछया सी, मैं कई बार साढ़े सीनियर आगुआं का मन हुंदा कि थोड़ी संगत ज़्यादा होवे फिर बोलना, मैं कहा सिरसा साहब संगत थोड़ी है भाई, जे तुसी कहो पहला जाना तो पहला बुला देने, वो कहिंदे कोई नहीं बुला दिओ तुसी, तो फिर यह गल जी उन्होंने कही कि एक एक योधा सवा सवा लख ते भारूआ ये जागदी जमीन वाले बैठे ने, कोई परवाह नहीं। पर मैं जरूर फिर बेनती करांगा जिथे तक मेरी आवाज़ जाती है, भाई ट्रालिया चो निकलिया करो, इतना खुर नहीं जाना कितने मीह नाल, आपां खेतां च रहिंदे आ, खेतां लई आ अंदोलन जितना फिर खेतां च ही जाना, मीह भरदे च पट्ठे वढ के लियाउणे आ, मीह भरदे च नक्के बंद करने आ बनने आ, फेस करके इत्थे आया करो पंडाल दे विच, इह बेनतियां कबूल करियो। जे किसी नूं मेरी गल तत्ती लगी होवे ते माफ़ी चाहवांगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक दो जकारे बुलाउणे सी ओह रहि गए, जकारे जरूर कौम दे बुलाया करो, जिन्हें थोड़े हाँ उन्हें जोश भर जाता, गज के बुलायो, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।